सन 1931 में रिलीज फिल्म आलम आरा हिंदुस्तान की पहली बोलती फिल्म थी, जिसके बाद से भारतीय सिनेमा का सुनहरा दौर शुरू हुआ। नमस्कार, मैं हूं राजेश, स्वागत है फैक्ट्री बोर्ड के और एक नए एपिसोड में। दोस्तों, हिंदुस्तान की पहली बोलती फिल्म की पूरी कहानी आज मैं आपको बताऊंगा, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, अंत तक जरूर देखिएगा। आलम आरा हिंदुस्तान की पहली बोलती फिल्म थी, जिसके बाद से भारतीय सिनेमा का सुनहरा दौर शुरू हुआ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म की शुरुआत एक लॉटरी के कारण हुई। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। अर्देशिर ईरानी, शायद आपने इससे पहले इनका नाम कभी ना सुना हो। दरअसल अर्देशिर ईरानी हिंदुस्तान की पहली बोलती फिल्म के निर्माता हैं, और उन्हें आप एक्सीडेंटल फिल्म प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं। ऐसा मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको आगे पता चलेगा। ईरानी जी का जन्म सन 1886 में एक ईरानी जोरोस्ट्रियन परिवार में पुणे में हुआ। उनका परिवार सन 1879 में ईरान से हिंदुस्तान में आ गया था। ईरानी जी बम्बई में ही पले बढ़े और वे इसी शहर में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की एक दुकान चलाते थे। उनका फिल्मों में आना किस्मत का खेल कह सकते हैं। दरअसल 1903 में उन्हें 14,000 रुपयों का एक लॉटरी लगा था। ये 14,000 उस जमाने में काफी पैसे हुआ करते थे। इन पैसों से उन्होंने अपने दबे हुए सपनों को पूरा करने का फैसला किया। वैसे हिंदुस्तान की पहली फिल्म दादा साहेब फाल्के की राजा हरिश्चंद्र थी, जो 1913 में रिलीज हुई थी। इसके बाद कुछ फिल्में बनी, लेकिन इनमें साउंड नहीं था, मतलब आप फिल्म को देख सकते हैं, आवाज नहीं सुन सकते। लेकिन ईरानी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदुस्तान की जनता को फिल्मों में साउंड से परिचय करवाया। उन्हें इन सब की इंस्पिरेशन एक हॉलीवुड फिल्म देखने के बाद मिली। ये फिल्म देखने के बाद उन्होंने फैसला कर लिया था कि वह इंडिया की पहली बोलती फिल्म बनाएंगे। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था। उनके सामने कई कठिन परिस्थितियां आईं। उनके लिए पहली उलझन ये थी कि वे किस भाषा में फिल्म को बनाएं। बाद में उन्होंने हिंदुस्तानी भाषा में फिल्म को बनाने का निर्णय लिया, ताकि वे अपनी फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। ईरानी जी की अगली परेशानी फिल्म की कहानी थी। काफी रिसर्च के बाद उन्होंने एक बगदादी जियो नाटककार के एक लोकप्रिय नाटक को फिल्म की कहानी के लिए सिलेक्ट किया। इस नाटक का नाम था आलम आरा। ईरानी ने अपनी इस फिल्म को बेहतर बनाने के लिए फिल्म की कास्टिंग पर बहुत जोर दिया। इससे पहले कई साइलेंट फिल्म हिंदुस्तान में बनाई गई थी, और उन सब में एंग्लो इंडियंस या बगदादी जियो आर्टिस्टों ने काम किया था। लोग इनकी गोरी चमड़ी और वेस्टर्न सेंसिबिलिटी को पसंद करते थे, लेकिन आलम आरा एक बोलती फिल्म थी और इनमें से किसी को भी हिंदुस्तानी भाषा नहीं आती थी। इसी कारण ईरानी जी ने स्टूडियो से बाहर कलाकार ढूंढने का फैसला किया। काफी मेहनत के बाद उन्होंने एक यंग एक्ट्रेस जुबेदा को खोज निकाला और मेन लीड रोल के लिए महबूब खान को चूज किया, जो आगे चल के हिंदी क्लासिक फिल्म मदर इंडिया के डायरेक्टर बने। मराठी स्टंट स्टार मास्टर विट्ठल भी इस फिल्म से जुड़े। इस फिल्म में विलन का रोल जिसे मिला वो कोई और नहीं, वो थे पृथ्वीराज कपूर। एलवी प्रसाद भी इस फिल्म से जुड़े, जो आगे चलकर साउथ इंडियन फिल्म में प्रसिद्ध एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर काम किया। असली परेशानी ईरानी जी को शूटिंग के दौरान हुई। दरअसल उनका स्टूडियो बॉम्बे के ग्रांड रोड पे था और रेलवे लाइन पास में थी। स्टूडियो साउंड प्रूफ ना होने के कारण उन्हें मजबूरन शूटिंग रात को करनी पड़ती थी, जब रेलवे का काम बंद होता था। एक्टर्स को शूटिंग के दौरान काम करने में बड़ी असुविधा होती थी। बड़े बड़े माइक्रोफोन्स को कलाकारों के कपड़ों में या प्रॉप्स में छुपाया जाता था, या फिर माइक्रोफोन को ऐसे रखा जाता था ताकि वे कैमरे पे ना दिखे। फिल्म की बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए पेड़ों या दीवारों के पीछे से म्यूजिशियंस तबला और हारमोनियम बजाते थे और सामने एक्टर्स एक्टिंग करते थे। ये सब आप लोगों को आज अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप सिर्फ एक अंदाजा मात्र लगा सकते हैं कि उन्होंने इस फिल्म को बनाने के लिए कितनी मेहनत की होगी। आलम आरा पहली ऐसी फिल्म थी जिसने भारतीय दर्शकों को प्लेबैक सिंगिंग से परिचय करवाया। इस फिल्म की और एक दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म का मशहूर गाना
दे दे खुदा के नाम पर, जो कि एक फकीर के ऊपर फिल्माया गया था। इस गाने के गायक ईरानी जी के घर के पास के एक वॉचमैन थे। ईरानी जी ने उन्हें उनकी मोटी आवाज के कारण हायर किया था, जो एक फकीर के वॉइस के हिसाब से एकदम परफेक्ट था। इसके अलावा फिल्म में 6 और गाने थे। जहां भारत में एक साइलेंट फिल्म को बनाने के लिए 1 महीना लगता था, वहीं आलमराव को पूरा बनने में पूरे 4 महीने का समय लग गया था। अब भारत की पहली बोलती फिल्म 14 मार्च 1931 को बॉम्बे के मैजेस्टिक टॉकीज में अपनी भव्य रिलीज के लिए तैयार थी। इस फिल्म को एक अंग्रेजी टैगलाइन के साथ प्रचार किया गया, ऑल लिविंग ब्रीदिंग 100% टॉकिंग, और इसका हिंदी पंचलाइन था 78 मुर्दे जिंदा हो गए, उनको बोलते देखो। ऐसी पब्लिक जिन्होंने इससे पहले कभी कलाकारों को सिनेमा के पर्दों पर बोलते नहीं देखा था, उनके लिए आलमारा एक बड़ी सनसनी थी। इस फिल्म में दर्शकों को पहली बार नाच गाना और डायलॉग सुनने को मिल रहा था। सिनेमा थिएटर लोगों से खचाखच भरने लगी। सिनेमा हॉल के बाहर काफी लोगों का सैलाब था। भीड़ इतनी बढ़ गई कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मजबूरन पुलिस बुलानी पड़ी थी। जो टिकट 4 आने में मिलती थी, वही टिकट ब्लैक में 4 से 5 रुपयों में बेची जा रही थी। शो अगले 8 हफ्तों तक हाउसफुल रहा। बाद में यूनिट फिल्म के साथ कई दौरों पर गई, जहां वे साउंड प्रोजेक्शन इक्विपमेंट्स को ले जाते थे और बढ़ती भीड़ों को आकर्षित करते थे। आलमारा की इस अपार सफलता के बाद आर्द्रश्री ईरानी जी ने 1945 तक फिल्म बनाते रहे। उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। 1969 में इस महान व्यक्ति ने 82 साल की उम्र में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। आपको जान के निराशा होगी कि इस फिल्म की एक भी कॉपी आज मौजूद नहीं है। हाँ, कुछ स्टिल फोटोज हैं जिनको देख के आप उस दौर के समय को थोड़ा बहुत महसूस जरूर कर सकते हैं। एक उम्मीद है कि किसी दिन कोई इस फिल्म की रील को सामने लाए और हम उस दौर के और हिंदुस्तान की पहली बोलती फिल्म को फिर से देख सके। मैं आलमारा को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस फिल्म ने उस रास्ते की शुरुआत की जो आज अरबों डॉलरों का फिल्म इंडस्ट्री के रूप में हम सबके सामने है। जाते जाते मैं आप लोगों को और एक बात बताना चाहता हूँ। 1937 में ईरानी जी ने भारत की पहली हिंदी कलर फीचर फिल्म भी बनाई, जिसका नाम था किशन कन्हैया। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार और एक दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।